हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन सचान एक बार फिर आपके साथ लेके आया हूँ द फ्लाई बाय कैथरीन मैन्सफील्ड की। तो देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कैथरीन के बारे में, कैथरीन मैन्सफील्ड्स के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था, पहले तो नाम की बात करें, इनका जो रियल नेम था वो था कैथलीन। क्या था? कैथलीन। इनका जो रियल नेम था वो था कैथलीन, कैथलीन इनका रियल नेम था, और कैथलीन मैन्सफील्ड। और इनका जो जन्म हुआ था ब्लू चैम्प में हुआ था। क्या हुआ था? ब्लू चैम्प में हुआ था, ब्लू चैम्प। इनका पूरा नाम था कैथलीन मैन्सफील्ड ब्लू चैम्प, ये पूरा नाम था उनका। और उनका जो पिन नेम, जिस नेम से वो उन्होंने कविता ये लिखी स्टोरी लिखी है, वो था कैथरीन मैन्सफील्ड के नाम से इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। इनका जो जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1888 को वेलिंगटन न्यूजीलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? वेलिंगटन न्यूजीलैंड में हुआ था। उनकी जो डेथ हुई थी वो 9 जन 1923, जब ये 34 साल की थी मात्र, तब इनकी डेथ हो गई थी। और फॉन्टेनी ब्लू फ्रांस में इनकी डेथ हुई थी। स्पाउस इनके जो पति थे जॉर्ज बॉर्डे थे, उनकी शादी जो हुई थी 1908 में, और उन्होंने डिवोर्स दे दिया था 1917 में। इसके बाद इन्होंने जॉन मिलेटन म्यूरे के साथ में शादी की 1918 में। अब देखते हैं दोस्तों फ्लाई। फ्लाई एक ऐसी कहानी है जिसमें दो दोस्त होते हैं, और वो दोस्त उनके जो बेटे होते हैं, उनकी बेटों की जो मृत्यु होती है वो एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हो जाती है, जिससे वो दोनों दुखी रहते हैं। जिसमें से एक जो है, जो बॉस है, वो ज़्यादा दुखी रहता है। और एक यहाँ मक्खी है, मक्खी को उस वॉर के रूप में दिखाया गया है कि किस तरह से मक्खी उस सैनिक की तरह अपना संघर्ष करती है, और संघर्ष करने के बाद वो डेथ हो जाती है। तो यहाँ मक्खी को उससे कम सैनिक से कंपेयर करेगी कि वो किस तरह अपने, मतलब जो यहाँ पे बॉस है वो अपने बेटे के बारे में नहीं भूल पाता है, तो मक्खी का जो संघर्ष देखता है तो अपने बेटे के बारे में भूल जाता है। ऐसी कहानी कुछ है, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले करेक्टर्स की बात कर लें तो मिस्टर वुडीफील्ड एन ओल्ड मैन है, एन फर मैन हु हैज़ लॉस्ट अ सन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ही इज ओनली अलाउड टू लीव हिज हाउस ऑन ट्यूजडे। ही लिव्स विथ हिज वाइफ एंड डॉटर्स। वे अपनी डॉटर्स अपने वाइफ के साथ में घर में रहते हैं, बाहर कहीं नहीं जाते हैं, और सिर्फ एक ट्यूजडे वाले दिन ही वो बाहर निकलते हैं। जिस ऑफिस में वो काम करते थे कभी कभी वो वहाँ विजिट करने के लिए जाते हैं। और ये द बॉस, ये उनका बॉस है, ए वेल ऑफ फ्रेंड ऑफ वुडीफील्ड का ये मित्र है, हु ऑल्सो लॉस्ट अ सन, इसने भी अपना एक बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खो दिया है। जो मेन करेक्टर इसमें है वो द बॉस एंड वुडीफील्ड ही हैं। इसके बाद बात करते हैं मैके की। ये जो द मैन ऑफिस क्लर्क, ये ऑफिस में उसके काम करने वाला एक व्यक्ति था। द फ्लाई एक सिंबलिक डिवाइस ऑफ द स्टोरी, स्टोरी में जो मक्खी का प्रयोग किया गया वो डिवाइस सिंबल के रूप में प्रयोग किया गया है। जर्ट्रूड हुए हैं ऑन द डॉटर्स ऑफ वुडीफील्ड, वुडीफील्ड की डॉटर्स थी जर्ट्रूड एंड रेजी, द सन ऑफ वुडीफील्ड हु डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जिसकी डेथ हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों कहानी के बारे में। यह कहानी मुख्यतः दो लोगों के आसपास घूमती रहती है, जिनमें एक वुडीफील्ड है और दूसरे हैं उनके बॉस। ये दोनों अच्छे मित्र हैं, और वुडीफील्ड हैं वो सप्ताह में केवल एक दिन ही घर से बाहर निकलते, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि वो सप्ताह में केवल ट्यूजडे वाले दिन ही घर से बाहर निकलते थे, और उस दिन वो ऑफिस का विजिट कर, जिस ऑफिस में वो काम करते थे उस ऑफिस में वो विजिट करने के लिए जाते हैं। और बॉस जो उस ऑफिस के बॉस थे और उनके फ्रेंड भी थे, उनको ऑफिस दिखाता है, क्योंकि वो ऑफिस को इग्नोर कर देता है, मतलब पूरा चेंज कर देता है। देखते हैं कि बॉस क्या देखता है, वुडीफील्ड क्या देखते हैं कि ऑफिस पूरी तरह से बदल दिया गया है। सोफे, मशीन्स और बहुत सारी चीज़ें, केवल एक चीज़ को छोड़कर बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई हैं, केवल एक चीज़ को छोड़कर। वह चीज़ क्या है? वह चीज़ थी उस बॉस के बेटे की फ़ोटो, जो प्रथम विश्व युद्ध में मारा गया था। अब वह उस फोटो को देखता है, उसके बाद वह कुछ बोलना चाहता है। क्या बोलना चाहता है? वुडीफील्ड कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वह कुछ भूल जाता है। फिर वो बैठ कर ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद क्या होता है, जब ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी वुडीफील्ड को वो बात याद आ जाती है। कौन सी बात? जो वो बताना चाहता था भूल गया था। वो ये बताना चाहता था कि जो उसकी बेटी है जर्ट्रूड, जो उसकी पुत्रियाँ थीं, वो वहाँ गई थी जहाँ उनके दोनों बेटे, मतलब बॉस का बेटा और उसका बेटा, उस कब्र में दफनाए गए थे। तो उस कब्र की जो हालत थी वो अभी भी बढ़िया है। वो ऐसा बताता है कि वो लोग वहाँ विजिट करने गई थी, अभी भी कब्र की देखभाल बढ़िया से की जा रही है, वो दोनों अच्छी हालत में है।
लेकिन जो उसका बॉस था यह बात सुनकर दुखी हो जाता है और उसका ड्रिंक करने में कोई मन नहीं होता है, क्योंकि वह अपने बेटे की मौत को अभी भी भूल नहीं पाया होता है। इधर वुडी फील्ड जो होता है वो अपनी बेटे की मौत को भूल गया होता है, क्योंकि काफ़ी समय हो जाता है, इस वजह से वह भूल जाता है, लेकिन ये अपनी बेटे की मौत को भूल नहीं पाता और गुमसुम उदास हो जाता है। और वहाँ से जब वुडी फील्ड चला जाता है तो वुड की वहाँ से अपने ऑफिस में आ जाता है और अपने बेटी की फ़ोटो को लेके चुपचाप बैठ जाता है, उदास हो जाता है और अपने नौकर से कह देता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब न करे, और मानो वो अपने बेटी की फ़ोटो को लेकर रोने लगता है उसकी याद में। तभी एक जो मक्खी होती है उसकी बॉटल, जो उसकी बॉटल थी मेज के ऊपर रखी होती है, उसमें से गिर जाती है। अब जब मक्खी उस बॉटल में गिर जाती है और बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाने लगती है, तभी उसका ध्यान फ़ोटो से हटकर उस मक्खी की तरफ जाता है। किसका ध्यान? बॉस का ध्यान मक्खी की तरफ जाता है। वह देखता है कि मक्खी मरने वाली है, तो वह पेन से ऐसे डुबोकर और उस मक्खी को ऐसे बाहर निकाल के मेज पे रख देता है। थोड़ी देर देखता है कि वो मक्खी इधर पंख फड़फड़ाती इधर उधर करती है और उड़ने का प्रयास करने लगती है, तो वह देखता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, उस मक्खी के साथ खेलना जैसा चाह रहा हो, वो पानी की एक ड्रॉप लेके पेन से ऐसे ही करके फिर मक्खी के ऊपर डाल देता है। फिर से मक्खी ऐसे ही वो अपने पंखों को पोंछती है, फिर से उड़ने का प्रयास करती है, जैसे ही वह उड़ना चाहती है वह फिर से एक ड्रॉप डाल देता है। तो वो इस तरह से उस मक्खी के साथ खेल रहा होता है, नेक्स्ट वन ड्रॉप ऐसे करता रहता है। तो कुछ समय बाद मक्खी थक जाती है और मक्खी मर जाती है। तो वह जब मक्खी मर जाती है तो ये सोचता है कि इसी मक्खी की तरह मेरा बेटा भी युद्ध में लड़ा होगा अपने संघर्षों से, लेकिन आखिरकार वह अपने संघर्षों से, वह अपने भाग्य से हार गया और उसकी डेथ हो गई। तो जब मक्खी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो याद है, बेटे की जो याद है, वो तो उसको थोड़ी सांत्वना मिल जाती है कि इस मक्खी की तरह मेरे बेटे ने संघर्ष किया होगा, वीरता के साथ लड़ा होगा, तभी उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो मकफ्लाई है, फ्लाई को एक सिंबल मतलब सैनिक की तरह माना गया, जो लंबे संघर्ष के बाद उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि आर्मी के सैनिक जो सैनिक होते हैं वो भी लंबे संघर्ष के बाद उनकी डेथ हुई होगी, तो उसको थोड़ा सांत्वना मिलती है और अपने बेटे की याद को भूल जाता है। तो ये थी दोस्तों इसकी स्टोरी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, और मैं आपके लिए बहुत ही जल्द सारे वीडियो, जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, इनके क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा बहुत ही जल्द। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स।